हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं जो जिसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी भर्ती की डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसा इसे करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन्स को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बताते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाहत करने वाले उम्मीदवारों के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड यानी कि WBHRB ने 9,333 पदों पर भर्ती निकाली है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा कैडर ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत स्टाफ नर्स के खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 13 मार्च से 23 मार्च 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। WBHRB स्टाफ नर्स भर्ती 2020 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीदवारों की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसमें टोटल 9,333 पद हैं। 9,333 पदों पर होने वाली भर्ती में से 9,040 पद तो महिलाओं के लिए और 293 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए रिजर्व किए गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे सामान्य उम्मीदवारों के फीस के रूप में 210 रुपये देने होंगे। वहीं SC ST अन्य वर्ग से आने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य वालों के लिए 210 रुपये, बाकी के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, WBHRB की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड के लिए 9,333 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइरी बेसिक BSc नर्सिंग पोस्ट, बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स किसी भी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज से पूरा करना अनिवार्य है। तो इनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को बंगाली नेपाली भाषा का लिखित ज्ञान भी होना चाहिए, बंगाली या नेपाली में से कोई एक भाषा आती हो। यही नहीं, फीमेल या मेल नर्स मिडवाइजर के रूप में वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह भी एक क्राइटेरिया रख दिया गया है। इस वैकेंसी के तहत चयनित उम्मीदवारों को 34,136 प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा वेतन है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड से संबंधित भर्ती। अगर दोस्तों आपको पसंद आई वीडियो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।